हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित कुमार और मैं आप सभी का साइलेंट पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये किसके अंडर काम करते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कितने तरह के मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, इनका डिवीजन किस तरह से किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कवर कर लिया था। ओके, तो ये जो पाँचों पोस्ट आपको दिख रही है, ये पाँचों पोस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव की ही पार्ट होती है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स 52-78 के अंदर जो है वो मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम अपना जो फोकस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही पूरी तरह से बना के रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले और जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन होता है उसे प्रेस कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं वो ये कि सबसे पहला आर्टिकल जो आता है वो आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंट के पास ही सारी की सारी यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर वेस्ट होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देगी उनके काम में। ओके, और प्रेसिडेंट को जो है उसी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डेंस में ही काम करना है। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को इन एड एंड एडवाइस को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो एड एंड एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाएगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, इसके बाद इसमें एक और प्रोविजन है जो कि बाद में ऐड किया गया था, वो था कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो एडवाइस दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए वो वापस भेज सकता है। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद जो भी एडवाइस आएगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को काम करना है। मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट को काम करना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक रिकंसिडरेशन का प्रोविजन था, ठीक है। ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही प्रोविजन था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिनको जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं भी बाइंडिंग जो है बाइंडिंग का प्रोविजन नहीं था कि उनकी प्रेसिडेंट को उसी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इस एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया और 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसे रिकंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ले आया, जिसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 था, इसने क्या ऐड किया कि प्रेसिडेंट जब अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करेगा तो उसे उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाएगी। मतलब क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, इन्होंने इस एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया प्रेसिडेंट पे कि प्रेसिडेंट को इन्हीं एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करनी होगी जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाएगी। ओके, इसके बाद 1978 में एक फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978। इसने क्या कहा कि ठीक है, प्रेसिडेंट को उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग तो काम करना होगा, लेकिन एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए उस एडवाइस को दे सकता है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस दी गई है उसे रिकंसिडरेशन के लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेज सकता है और रिकंसिडरेशन के बाद जो भी एडवाइस होगी उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट को काम करना होगा। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बार एडवाइस को वापस भेज सकता है और उसके बाद जो भी एडवाइस आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से वो उस पर बाइंडिंग होगा। ओके, इसके अलावे आर्टिकल 74 में एक और प्रोविजन है कि जो भी एडवाइस दी जाएगी मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस जो है वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, किसी भी कोर्ट में वो इंक्वायरी नहीं की जाएगी कि क्या एडवाइस दी गई, सही दी गई, गलत दी गई, इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाएगी।
अगला जो प्रोविजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिगार्डिंग वो है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 कहता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर से रिगार्डिंग और भी जो अदर प्रोविजंस है उनके बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करने की जो पावर दी गई है वो प्रेसिडेंट के हाथों में दी गई है कि प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, ठीक है, उसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उसके अलावे अदर जो मिनिस्टर्स होंगे उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस देता है कि किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बनाने से रिलेटेड, वो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है, वो बाइंडिंग होती है। प्रेसिडेंट उसी पर्सन को मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस दिया गया हो, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। सेकंड जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर के दौरान ही ऑफिस को होल्ड करेगी। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी भी मिनिस्टर को अपने ऑफिस से जो है रिमूव कर सकता है, प्लेजर का मतलब यही होता है, लेकिन वो अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बननी चाहिए, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस से रिमूव करना है तो यहाँ पर एक केस ये होना चाहिए कि उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ओके। तो मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं होने के रिगार्डिंग जो है प्रेसिडेंट चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है, और अदर मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट चाहे रिमूव कर सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करने से रिगार्डिंग, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है उस मिनिस्टर को। तो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ओके। पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो पूरी तरह से हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के प्रति पूरी तरह से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब यही है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा को अगर किसी लोकसभा चाहे तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है को रिमूव कर सकती है अगर वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास कर लेती है तो। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट पास नहीं होता है बल्कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पूरा कलेक्शन के साथ सबको मिलजुल कर रिस्पॉन्सिबल होना होता है, किसी एक इंडिविजुअल की यहाँ पे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। अब देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो होती है मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो कितनी होगी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो जो मैक्सिमम नंबर है जो कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स होने की होती है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल मेंबरशिप है, उससे 15% अधिक जो है वो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती है, ओके। उसके बाद जो प्रोविज़न है वो ये प्रोविज़न है कि अगर कोई मिनिस्टर जो कि एमपी नहीं होता है, जो कि किसी भी जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, ना लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है, वो भी चाहे तो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर 6 consecutive months 6 जो लगातार महीने हैं उसके अंदर उसे पार्लियामेंट की मेंबरशिप ले लेनी होती है। अगर वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप नहीं लेता है इन 6 महीने के दौरान तो फिर वो मिनिस्टर नहीं बना रह सकता, उसे मिनिस्टर जो है वो उसका वो मिनिस्टर जो है नहीं बन सकता। मतलब 6 महीने तक कोई भी पर्सन जो एमपी नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप ले लेनी पड़ती है, ओके। अगला जो प्रोविज़न है वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के ग्राउंड पे, ओके, दल बदल के ग्राउंड पे जो है डिसक्वालिफिकेशन हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई एमपी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और वो अगर डिफेक्शन के ग्राउंड में डिसक्वालिफाइड हो चुका है, मतलब कि दल बदल से रिलेटेड जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताए गए हैं शेड्यूल 10 के अंदर जो बताया गया प्रोविज़न जिस ग्राउंड में किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, ठीक है, अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाता है तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। अगला जो प्रोविज़न है वो है कि
मिनिस्टर्स को जो ऑथ मिनिस्टर को जो शपथ दिलाई जाती है अपने ऑफिस के प्रति और सेक्रेसी के प्रति कि उन्हें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं करनी है, तो ये जो शपथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलाई जाती है। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस जो है मिनिस्टर्स की, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है। तो उन्हें मेनली सैलरी जो है वो एज एमपी ही मिलती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही तय की जाती है। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी बिजनेस होगी, जितने भी इनकी डेली डे टू डे अफेयर्स होगी, यूनियन गवर्नमेंट की जो अफेयर्स होगी, उसका कंडक्ट किस तरह से किया जाएगा, उसका कामकाज, उसका चालन जो है वो किस तरह से होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो पहला प्रोविजन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे की जाएगी। मतलब जितनी भी डे टू डे अफेयर्स हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है कि ये जो ऑर्डर इशू किया गया है, ये या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, इनके नाम पे की जाती है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की इतनी सारी अफेयर्स होती है, इतनी सारी ऑर्डर्स होती है कि सारी की सारी ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट को पता भी नहीं होती है, लेकिन उनके नाम पे सारी चीज़ें की जाती है। ओके, तो जितने भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है, उन्हें ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, उन्हें जो है प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो इससे रिगार्डिंग जो रूल्स है वो रूल मेकिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में है कि प्रेसिडेंट बना सकता है कि किस तरह से इन्हें ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ओके, उन्हें प्रूफ किया जाएगा। और इसके आगे ये भी कहा गया है कि कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रेसिडेंट के नाम से जारी होता है, उसकी वैलिडिटी को इस ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ऑर्डर इशू नहीं किया गया है। मतलब क्या हुआ कि, और ये प्रोविज़न डालने का क्या मकसद है ये मैं बताता हूँ। मेनली होता क्या है कि इतनी सारी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, इतने सारे एग्जीक्यूटिव अफेयर्स होते हैं, इतनी सारी ऑर्डर्स निकलती है कि प्रेसिडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स जो है उनके नाम पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि इस ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि एक्चुअल में ये जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, भले ही प्रेसिडेंट के नाम पे ये निकाला गया है। मतलब प्रेसिडेंट क्या है, रूल बना देता है कि उसके नाम से सारी चीज़ें जो है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं किया जा सकता है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है निकाला गया ऑर्डर नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर आती है, आर्टिकल 77 के अंदर। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 78 की ओर। आर्टिकल 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटी होगी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे तीन ड्यूटी जो है वो बताई गई है। पहली जो ड्यूटी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी होगा कि वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन बताएं, वो हर डिसीजन बताएं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यूनियन अफेयर्स से रिलेटेड। मतलब यूनियन अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया गया है तो उन सारे डिसीजंस को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना होगा। और उसके साथ साथ जितने भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड प्रपोजल्स है, जितने भी बिल से रिलेटेड प्रपोजल है, उन सारे प्रपोजल को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को बताना होगा। ओके, इसके अलावे प्रेसिडेंट यूनियन अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्राइम मिनिस्टर से मांगता है, या फिर कोई प्रपोजल जो है, कोई बिल अगर पेश होने वाला है उससे रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगता है प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर को वो इन्फॉर्मेशन उसे देना होगा। ओके, इसके अलावे एक और रूल है, एक और प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई एक डिसीजन जो किसी एक मिनिस्टर के द्वारा ले लिया गया है कोई डिसीजन, लेकिन पूरी की पूरी काउंसिल के द्वारा उसे अगर कंसीडर नहीं किया गया है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि उस डिसीजन को पूरी की पूरी काउंसिल के ऑफ मिनिस्टर्स के सामने कंसीडर किया जाए। ओके, तो ये तीनों जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 78 के अंदर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसका नेचर क्या होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देता है वो उस पर बाइंडिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक केसेस हैं, जैसे कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर लोकसभा डिजॉल्व भी हो जाती है तो लोकसभा के डिजॉल्व होने के बावजूद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपना ऑफिस जो है वो नहीं छोड़ेगी। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में ही रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 74 है ये मैंडेटरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट
जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर का यूज बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के बिना नहीं कर सकता है। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, और बिना उसके प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर सकता है। इसीलिए चाहे लोकसभा डिजॉल्व भी क्यों ना हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑफिस में रहेगी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए। और अगेन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन का ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन का ये मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि प्रेसिडेंट पर्सनली सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जहाँ भी कहा है प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड बात है, इसका मतलब यही है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन। ओके, अब देखते हैं मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नज़र आती है मिनिस्टर्स की। एक तो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति, तो लोकसभा के प्रति जो है इन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आर्टिकल 75 के अंदर कहा जाता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन्हें ऐसा कहा जाता है कि द वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर, वो ये पूरे टीम की तरह काम करते हैं, एक साथ स्विम करते हैं, एक साथ सिंक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें? तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर लोकसभा को पूरी की पूरी अगर लोकसभा को मिनिस्ट्री को गिराना है तो उसे क्या करना पड़ता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करना पड़ता है। लोकसभा चाह के भी किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास कर सकती है, एक मिनिस्टर को नहीं हटा सकती है। अगर उसे हटाना है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि जब लोकसभा पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है, और वो हर मिनिस्टर जो कि राज्यसभा से चुने जाते हैं, तो इन सबको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। लोकसभा किसी एक मिनिस्टर को हटा नहीं सकती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सारे के सारे जो मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ लोकसभा के प्रति। ओके, और जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। ओके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 75 के अंदर। आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ड्यूरिंग ही ऑफिस होल्ड करेंगे। मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर होंगे वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। ओके, तो कभी भी वो मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है एट अ टाइम जब लोकसभा का कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। लेकिन वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव तभी कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर इसके लिए एडवाइस दे। मतलब एक्चुअल में देखें तो रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। अगर ओपिनियन का डिफरेंस हो रहा है प्राइम मिनिस्टर और किसी अदर मिनिस्टर के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को कह सकता है कि इस मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाए, इसे डिसमिस कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को जो है वो रिमूव कर देता है। तो इस तरह से देखें तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिनिस्टर की अपनी अपनी बनती है कि वो मिलजुल कर जो है वो काम करें। ओके, अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंपोजिशन के बारे में। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ओके, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में ही पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो काम करते हैं। लेकिन हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। एक्चुअल में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर। ओके, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उसके बाद हो गया फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथों में होती है, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो मेनली क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर ही जो है वो पूरी पावर की न्यूक्लियस होती है, सेंटर होती है पूरी पावर की। ओके, इसके अलावा एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर भी दो तरह के मिनिस्टर आते हैं। एक तो आते हैं कि
मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज के और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिंपली। तो एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ये काम दिया जाता है कि इसे कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंस के लिए इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर्स के मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, एक सहायक मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को ही असिस्ट करता है उसके काम में, ठीक है। या फिर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके जगह पर जो है उनका थोड़ा रोल अदा कर देता है, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं होता है। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जब कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर रखा जाता है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो सारी रिपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर को ही सौंपता है। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इसके पास पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती है, लेकिन इसे छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जब प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि किसी स्पेशल सेक्टर में थोड़ी स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर कोई MP है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, तो उसे एक छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे दी जाती है इंडिपेंडेंट चार्ज की तरह। इसके पास भी सेम पावर होता है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर है, ये अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करता है क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट ही नहीं होता है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। अभी एज अ 2017 के अकॉर्डिंग कोई डिप्टी मिनिस्टर जो है अपॉइंट नहीं किया जाता है, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर का मेनली काम क्या होता है कि वो या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को सहायता देते हैं या तो कैबिनेट मिनिस्टर को ही सहायता देते हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट से थोड़े लोअर पोस्ट के होते हैं मिनिस्टर। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो होप सो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।